किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए वक्त का होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे रिश्ता वो खून का हो चाहे कैसा भी हो। अगर रिश्ते में अगर आप वक्त नहीं देंगे, अगर समय नहीं देते हैं, तो रिश्ता बर्बाद हो जाता है। आज मैं ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें सेम ऐसा ही है सिचुएशन, जिसमें एक लड़की की बहुत ही अमीर घर में शादी होती है, लेकिन उसके पति पैसे कमाने में इतना व्यस्त रहता है कि अपने वाइफ के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता है। वाइफ उसके अपना समय बिताने के लिए मोबाइल का सहारा लेती है, गेम खेलती है सोशल मीडिया पे। गेम खेलते खेलते उसको उस औरत को प्यार हो जाता है सरहद पार के एक लड़के से, और प्यार इस कदर होता है कि वो अपना सब कुछ हार बैठती है उस लड़के के प्यार में, और मिलने के लिए वो सरहद पार अपने चार बच्चों के साथ जाती है। दोस्तों आपने कहानी तो बहुत सुना होगा, लेकिन ऐसी कहानी नहीं सुना होगा जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने जाती है और अपने बच्चों को साथ ले जाती है। इस घटना का जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जब पता चलता है, तो लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि ऐसे भी प्यार करने वाले आज के ज़माने में भी लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे ही सच्ची घटना पर एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जिस कहानी की शुरुआत यहाँ उत्तर प्रदेश के नोएडा के छोटे से गांव रघुपुरा से हो। रघुपुरा के रहने वाला सचिन नाम का एक लड़का 20 साल का, जो कि पैसे से मजदूरी करके अपना घर चलाता था, शाम को हारा थका जब वो घर आता था तो मोबाइल में गेम खेला करता था अपने मन को शांत करने के लिए, थकान को भूलने के लिए। और गेम खेलते खेलते उसको एक औरत से प्यार हो जाता है जो कि पाकिस्तान की रहने वाली हो, उसका नाम होता है सीमा हैदर, जिससे उस वो गेम खेलता है, गेम में बातचीत होती है, होते होते बात इस कदर बढ़ जाती है कि सोशल मीडिया पे दोनों का मतलब काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है और एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। दोनों का प्यार इस कदर बढ़ जाता है कि प्रेमिका उससे मिलने के लिए कहती है, और सीमा हैदर मिलने के लिए सचिन से नेपाल पाकिस्तान के रास्ते नेपाल आती है, और नेपाल जा कर के दोनों होटल में वहीं पर काठमांडू में होटल में मिलते हैं। सचिन जब मिलता है तो उसको यकीन ही नहीं होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की से उसको प्यार हुआ है। औरत आती है अपना जो बच्चे होते हैं वहाँ पर अपने घर पे छोड़ के आई होती है, तो सचिन बोलता है कि आप जाओ और वापस अपने बच्चों को साथ लेके आओ, तब हम दोनों साथ यहाँ पे अपने साथ मतलब अपने बच्चों को भी मैं अपना लूँगा, आपके चारों बच्चों को वापस। फिर ये पाकिस्तान जाती हैं और कुछ दिनों के बाद से फिर से वीज़ा इशू करवाती हैं नेपाल की, और नेपाल के रास्ते वो दिल्ली के रुख करती हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे है वहीं पे बस से उतरती हैं और कॉल करती हैं सचिन को कि मैं तुमसे मिलने के लिए आपके कंट्री में आ गई हूँ, आपके देश में आ गई हूँ, आप मुझे अपने घर ले चलो। सचिन डरता था कि उसके परिवार वाले पता नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इस महिला के ऑलरेडी चार बच्चे थे और सचिन से थोड़ी एज में भी बड़ी थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और वो कहीं दूर घर से अपने शहर से दूर रेंट पे 2000 का रेंट पे रूम लेता है और वहीं पे रहने लगता है। लगभग 1.5 महीने तक साथ रहने के छुप के रहने के बाद से सचिन सोचता है कि कब तक ऐसे छुप के रहेंगे, ड्यूटी भी ठीक से नहीं कर पा रहा था, परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। तो उसने डिसाइड किया कि वो वकील से मिल करके अपने शादी का मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेगा, तो कोर्ट मैरिज वहाँ पे जाकर कर लेगा। जैसे वो जाकर के वकील से मिलता है तो बोलता है, वकील साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप थोड़ा किनारा ये मैं सबके सामने नहीं बता सकता। वकील बोलता है ठीक है बताओ आपको क्या करना है। उसने बोला कि सर मैं ये जो महिला देख रहे हैं मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान से आई हुई हैं और मुझसे शादी करना चाहती हैं। वकील बोलता है कि ठीक है आप कल आओ मैं आपका ये काम करवा दूंगा। वकील से बोलता है वकील साहब ये बात किसी को मत बताना, और वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है अपने वाइफ। जब वकील साहब बोलते हैं कि ठीक है कल आना, तो यहाँ से ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन वकील क्या करता है कि सबसे पहले जाता है और जा करके एक रिपोर्टर से बताता है कि आपको पता है आपके शहर में एक औरत आई है जो कि पाकिस्तान से आई है और शादी करना चाहते हैं यहाँ के एक लड़के से। वो रिपोर्टर अपने TRP के लिए, अपने व्यूज़ के लिए वो क्या करता है, सीधे जा करके पुलिस वाले से बात करता है और जाके बताता है क्या आपको पता है कि पाकिस्तान से आई एक लड़की यहाँ पर 1.5-2 महीने से रह रही है और आपको पता भी नहीं है। पुलिस वालों की तो होश उड़ जाती है, उनके तो हाथ पाँव फूलने लगते हैं कि ऐसा भी हो, ऐसा कैसे हो गया कि ऐसे किस तरह से ये चकमा दे करके और इंडिया में 1.5 महीने से रह रही है और उनको पता तक नहीं चला। एक तरह से ये एक तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षा कारणों में भी एक बहुत सारा बहुत ही बड़ा चूक कह सकते हैं, इसके वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। अगले दिन पुलिस उनके घर पर आती है लेकिन वहाँ पर वो दोनों नहीं मिलते हैं। पुलिस को शक और ज़्यादा बढ़ जाता है कि कहीं कोई जासूसी या कुछ गलत कारनामों के इरादे से तो नहीं आई है। पुलिस उनके पीछे भागी पड़ जाती है फिल्मों की तरह, और सचिन
इस सीमा हैदर को लेकर के अलग अलग शहरों में छुपता फिरता है। आखिरकार एक दिन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, साथ में उनकी पूरी फैमिली को जेल में लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो पुलिस यहाँ पे जांच कर रही है कि क्या सीमा हैदर जो आई है सच में इसे प्यार करती है या फिर कोई साजिश है, इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। दोस्तों ये कहानी शुरुआत होती है दोनों के गेम खेलने से, और ये जो सीमा हैदर के जो पहले पति हैं जो पाकिस्तान के हैं वो दुबई में जॉब करते हैं, और वहाँ पे वो बिजनेस में इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि अपनी पत्नी के लिए समय भी नहीं निकाल पाते थे। इसके वजह से पत्नी परेशान होकर के गेम खेला करती थी, और गेम खेलते खेलते सचिन के संपर्क में आई है, सचिन से उसका प्यार हो गया, और प्यार इस कदर हो गया कि अपने 4 बच्चों को लेकर के भारत चली आई है, और वो कह रही है कि अब मैं मर जाऊँगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊँगी, मैं रहूँगी तो सचिन के साथ ही और मरूँगी तो यहीं पर, और बोलती है कि मैं आपके देश को घूमना चाह मैं देश में रहना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये घटना उन लोगों के लिए किसी की आहत को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये आप लोगों को एक तरह से अवगत कराने के लिए कि ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं। तो आपको ये कहानी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।